ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को मेरा प्रेम आदर स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं संगीत सुनील आपको अपने गार्डन में दिखा रही हूँ। देखिए कैसे चिड़िया मस्ती कर रही हैं, कितना एंजॉयमेंट कर रही हैं, अपनी उदर पूर्ति कर रही हैं। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये बात। और ये देखिए, ये लड्डू खा रही हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और मैं हैरान हूँ, उसमें काजू किशमिश बादाम सभी कुछ है। और ये खा रही हैं मज़े से। ये बॉम्बे से आया था एक लड्डू का डिब्बा बहुत बड़ा, और हमारे तो बच्चे बाहर रहते हैं तो मैंने कहा देखती हूँ आज ये क्या करती हैं। देखिए कैसे खा रही हैं। ये बुलबुल भी आ गई, और ये जो दूसरी चिड़िया है ब्राउन वाली, इसका मुझे नाम नहीं पता। और चिड़िया वहीं आती हैं कि जहाँ पर उन्हें फूल मिले और कुछ खाने के लिए भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए। कहते हैं ना, दाना पानी जहाँ मिलेगा वहाँ कौन जाना नहीं पसंद करेगा। मैं दिखाऊंगी भी आपको कैसे पानी भी पिए इन्होंने यहाँ पर। और भी मैंने बनाई है इसकी वीडियो, जिसमें वो ब्रोकली खा रही थी और मैं हैरान हो गई कैसे खा रही थी वो। ये देखिए, ये छोटी सी आई है एक प्यारी सी। और आज मैं आपको बताऊंगी, पहले अपने मुख्य विषय पर आ जाऊँ। ये आप देख रहे हैं डहेलिया लगा हुआ है, कितना ज़्यादा ग्रो, कितना हेल्दी है। और ये कैसे हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी कि कितने जो चाहते हैं कि हम भी अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं, और उन्हें लेकिन डर लगा रहता है कि शायद पता नहीं इसमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। और मैंने अपनी और भी पहले भी कई वीडियोस में कहा है इस बात के बारे में, जो बनाई थी मैंने गार्डन के बारे में, कि जो देसी खाद होती है वो बेस्ट होती है प्लांट्स के लिए। ये तो अब आजकल चलन हो गया है ऐसा, क्योंकि शहरों में इतना गोबर नहीं होता, दूध भी बाहर से आता है और खाद नहीं मिलती इतनी, तो तब वो अंग्रेज़ी खाद का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन हर चीज़ के लिए जो एक ऑर्गेनिक होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है खाद। और मैं अपने प्लांट्स में वही डालती हूँ हमेशा। और आप देखते हैं कि कितना फलता फूलता वो मेरा गार्डन है। गुलाब इतने ज़्यादा हैं कि अब मैं अपने मुँह से क्या कहूँ। आपने देखे ही होंगे मेरी वीडियोज़ में, दिखाऊंगे आपको एक बार फिर, बनाऊंगे उसकी और एक बार फिर वीडियो। और ये देखिए कितने हेल्दी हैं ये डहेलिया, ये देखिए कितना खूबसूरत है। और अगर आपको नहीं मिलता देसी खाद, तो आपको मैं ये कहूंगी कि आप लगा लीजिए इन्हें, और उसमें नीम की खली और जो घर में होती चाय की पत्ती उसे सुखा लीजिए, कभी वो डाल दीजिए। और अगर आपको खाद नहीं मिलता तो आप एक पैकेट के अंदर गोबर डालिए और उसमें फिर कुछ सब्जियों के छिलके डाल दीजिए, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालिए, फिर गोबर डाल दीजिए और फिर सब्जियों के फलों के छिलके ये सब डाल के और उसे बंद कर दीजिए। और उस पैकेट के अंदर थोड़े थोड़े छेद कर दीजिएगा फूल, ताकि थोड़ी सी हवा पास होती रहे। और 1-1.5 महीने तक वो खाद बन के आपकी तैयार हो जाएगी, घर की खाद। और अगर आपके पास जगह है, जैसे मेरे पास जगह है, तो आप एक गड्ढा करके भी डाल सकते हैं, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको पत्ते। सड़कों के किनारे बहुत पत्ते मिलते हैं, वो और अच्छी खाद बनेगी। तो उसमें पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा गोबर ले आइए कहीं से, गोबर ना मिले तो कहीं से उपले मिल जाएं आपको वो डाल दीजिए, और फलों के और सब्जियों के छिलके डाल दीजिए। देखिए सब कितने हेल्दी हैं ये प्लांट्स, इनमें सब में मैंने यही डाली हुई है। और ये देखिए कटिंग करके लगाया हुआ है, ये देखिए डहेलिया, ये कटिंग है लगी हुई, सब बढ़ जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक बार पहले भी एक अपनी वीडियो में दिखाई थी आपको कटिंग से कितने बड़े बड़े थे। अब उस वीडियो को दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहती, वो देखी हुई है जिन्होंने तो वो बोर होंगे कि बार बार मैं वही वाले फूल दिखा रही हूँ। ये वाले दूसरे हैं फूल, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूँ ये वीडियो। और इसमें एक और क्या बात करनी है अपनी, जो पत्ते अगर थोड़े पीले पड़ जाएँ तो उन्हें कट कर दीजिए, और पानी इतना ज़्यादा मत डालिए कि उसकी जड़ें गल जाएं, ये बहुत ख्याल रखना है अपने इस पौधे में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने बनाया है तो, कि कैसे कैसे आपने उसकी मिट्टी तैयार करनी है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो एक तो पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना है कि उसके पत्ते गल जाएँ, ये देखिए। और अगर आपको प्लांट्स नहीं खरीद सकते किसी के यहाँ से, ये मैं दिखा रही हूँ ना आपको, देखिए ये मेरे एक हाथ में फ़ोन है इसलिए मैं, ये देखिए
ये डंडी है जो ऐसी कहीं से छोटी सी भी एक डंडी मिल जाए आपको तो कट करके लगा लीजिए। मैंने भी वो जमीन में देखे लगाए हुए, और वो आप लगा लेंगे। ये डंडी एक कट ऐसे टूट गई थी गलती से, इसी भी मैंने ये खाली था गमला एक, ये देखिए इसमें लगाया, और ये देखिए कोंपले छोटी छोटी निकल रही हैं। अभी मैंने इनको इसलिए नहीं छेड़ा, अभी इसे छेड़ना ठीक नहीं है, हिल जाएगा ये, तो अगर वो जड़ें बना रहा होगा तो वो खराब हो जाएगी, तो मैं पहले तोड़ देती इसकी पत्तियाँ। और ये देखिए बगल से कोंपले निकल रही हैं, ये देखिए निकल रहे हैं, नहीं कोंपले, ये देखिए कोंपल निकल रही इधर पत्ते के पास से। तो बस अब ये कोंपल जो ये बड़ी होती जाएगी, मैं उस पत्ते को कट कर दूंगी। और ये देखिए इसके बल्ब्स हैं, अगर आपको कहीं से बल्ब मिल जाए डहेलिए का तो आप वो भी लगा सकते हैं। एक बल्ब लगा देंगे अगर आप, जो इसका बल्ब है वो जहाँ शाखा के साथ जहाँ लगा हुआ है जिस जगह, वो ऊपर रखना है अपने वो वाली साइड, और जो जड़ है इधर देखिए जड़ दिख रही है उसे जमीन में लगाना है, उसमें दिख जाएगा आपको। बस वहां से भी पौधे कई सारे निकल जाएंगे फिर। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, अलग अलग कलर। और ऐसे कटिंग कर करके भी आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और मैंने इसमें डाला, ये देखिए देसी खाद है, दो कट्टे रखे हैं, ये मेरी घर की, आपको दिख रहा होगा फर्श घर का, अपने घर का ही है, मैं यही डाल रही हूँ इसमें देसी खाद। ये देखिए अभी और दो कट्टे मंगाया, क्योंकि मैंने ये फरवरी का महीना है, इसमें ये तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है सब प्लांट्स को, क्योंकि ये सो के उठे हुए प्लांट्स हैं अभी। और मैंने रेत डाली है इसमें, और ये देखिए गार्डन सॉइल है। तो आपने इसमें क्या करना है, अगर जैसे एक गमला है तो उसमें आपने दो भाग डालिए आप इसकी देसी खाद के, एक भाग डाल दीजिए ये गार्डन सॉइल का और एक भाग रेत का डाल दीजिए, ताकि उसके अंदर पानी जमा ना हो, क्योंकि अगर पानी जमा होएगा तो जड़ें गल जाएंगी। और इसको वैसे पानी पसंद है, बहुत सूखी ड्राई नहीं होने चाहिए इसकी सॉइल। ये देखिए डेजी है, ये सब है, इन सब में देसी खाद का कमाल है इन पौधों में। अब मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी नई बात के साथ, और आप भी अपने गार्डन को महकाइए। धन्यवाद।